सरकार से देश की सलाखों से बाहर निकालने का जो काम किया, उसी प्रकार से ये जो सत्ता पर आज लुटेरे काबज हुए बैठे हैं, उन सबको भी सत्ता से आप निकालोगे और आपकी सरकार बनेगी। और फिर जब आपकी सरकार बनेगी तो ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, अगर अतीत में हमने अच्छे काम किए हैं भविष्य में और भी ज्यादा अच्छे काम करने के लिए निकास कर। आप लोगों ने कोई जलपान किया कि सब किया क्या जी? हाँ क्या जी? ये ले लो माइक, ये जरूरत ही पड़ी है उससे तो मैं घड़ाते बस। तो मैं पुनः आपको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ और आपसे निवेदन करूंगा कि बहुत सख्त गर्मी है, आराम से आना, संयम में रहना, जप्त में रहना, किसी प्रकार की दुर्घटना ना घट जाए। हमारा इतिहास गवाह है कि हमने लाखों करोड़ों की हाजिरियां की हैं, लेकिन कभी कोई हमारे स्वभाव में दुर्घटना नहीं घटी। इसलिए उस बात को कायम रखें, आराम से अपने घर पहुंचने का काम करें। मैं एक एक गांव में जाऊंगा, एक एक गांव में जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे डॉक्टरों ने सोमवार तक की पाबंदी लगाई हुई है। अभी मुझे जकड़ रखा है, सरिये डाले हुए हैं, इसलिए ये दो चार दिन में मैं फुर्सत हो जाएगी उसे प्रोग्राम बनाऊंगा और न सिर्फ हरियाणा प्रदेश के बल्कि भारतवर्ष के हर हिस्से में जाने का काम। सर्वप्रथम मैं जो किसान संघर्ष में जुटे हुए लोग हैं, तो कई महीनों से बैठे हैं, दुख तकलीफ झेल रहे हैं, जिनकी वजह से आज देश एक एक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करूंगा। मैं घर घर तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैंने एक ऐसी वैन बना दी है जिसमें ऊपर खड़े होकर के आप सबसे बात करूंगा। वहीं पर मैं वैन में मेरे खाने का मतलब है और वहीं मेरे रहने का छोड़ने का मतलब है। मैं किसी काम में बिल्कुल मजदूर न करना, मैं किसी के अवसार नहीं पीछूंगा, छुट्टियाँ रोक लूंगा। सारी व्यवस्था मैंने गाड़ी में की हुई है, केवल आपसे मिलकर के और आपकी मेहनत का आप सबको आशीर्वाद देने का मेरा एक सोच है, उस सोच को पूरा करने के लिए आपके लिए आप आए, आपका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप संयम में रहकर जब में रहकर पुरमन तरीके से अपने घर को वापस लौट सकते हैं। पुरुष आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और तेरे कसर है ये और काट जबान में रस है, जो कुछ कहना चाहता है वो तो तुम खड़े। इसकी लिखी हुई कविता वो बच्चा टेलीविजन पे सुनाया करता है, किस प्रकार के पर्टिकुलेशन करने वाले पार्टी में कार्यकर्ता हो, वो पार्टी कभी किसी प्रकार की कमी महसूस पार्टी अभी अभी नहीं हो रही, पार्टी नहीं होती रखी है, ये सारी पार्टी रोज ही हमारी नहीं हो रही। सीएम आ गया, हमें किसी का मुंह काला करना नहीं, मुंह हम करांगे, आप मत करियो, हम करांगे। जो गलत काम करेंगे उसका मुंह चढ़ा लोग अपने आप। इसलिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जलपान ना किया हो कृपया जलपान करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।